हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए कुछ नया लेके आई हूँ जो आप रात के डिनर में बना सकते हैं आसानी से। अगर आपको कुछ बनाने का मन नहीं है तो आप रात में डिनर में आप ये बना सकते हैं। मैं बताने जा रही हूँ पपीता की भुजिया, जो बहुत ही आसानी से बनता है। ये देखिए, मैंने कढ़ाई में एक स्पून तेल लिया और उसमें थोड़ा सा राई इस तरह मैंने डाल दिया और ये चटक जाएगा, थोड़ा चटकने दे इसे। ये देखिए चटकने की आवाज आ रहा है, तो ये मैं अब इसमें थोड़ा सा दो हरी मिर्च काट कर लंबे लंबे डाल दी हूँ। ये देखिए, अब मैं इसमें कद्दूकस किया हुआ पपीता डालूंगी इस तरह, और ये 3 मिनट में बन जाता है। आप कद्दूकस करके पपीता रख ले और आप जब खाना खाने जाए तो इसे फ्राई कर ले। ये 5 मिनट में एकदम और एकदम गर्म गर्म ये ज्यादा अच्छा लगता है। ठंडा भी अच्छा लगता है लेकिन गर्म में ज्यादा अच्छा लगता है। तो आप इसे चाहे तो तुरंत बना के खाएं। और ये देखिए मैंने सारे डाल दिया। अब इसमें थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार और आधी चम्मच हल्दी डाल दे और इसे मिक्स कर ले। ये देखिए मैंने डाल दी इसे। अब आँच पे ही इसे फ्राई करें। बड़ी भुजिया 3 मिनट में बनके रेडी हो जाएगा। देखिए इस तरह पपीता का थोड़ा सा कलर चेंज करना है, इसे ज्यादा नहीं भूनना है नहीं तो ये इसका स्वाद अच्छा नहीं आएगा। अब इसे थोड़ा सा 2-3 मिनट फ्राई करें और ये हमारा भुजिया बनके तैयार है। एकदम गर्मा गर्म खाए, रोटी के साथ खाए, पराठा के साथ खाए, किसी चीज के भी साथ खा सकते हैं। ये देखिए ये देखिए अब मेरा भुजिया बनके एकदम तैयार है। देखिए पपीते का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है, मैं आपको नजदीक करके दिखा रही हूँ। और ये कितना प्यारा लग रहा है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी, ना इसमें मसाला ना कुछ। आप और खाएं, इसे बताएं, बहुत ही अच्छा लगता है। एक बार आप जरूर ट्राई करें। तो मैं आप इसे सर्व करके दिखाती हूँ। गैस को अब मैं बंद कर दूंगी। ये देखिए और मेरा कितना गर्म गर्म धुआं निकल रहा है, देखने में कितना प्यारा लग रहा है। वाओ, आप एक बार जरूर बनाएं। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।